जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओम चो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल से आप जुड़ेंगे, ताकि आपको हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको ज्योतिष के बारे में विभिन्न सही और सटीक जानकारी देने वाला चैनल एकमात्र चैनल डॉक्टर ओम चो। उसी कड़ी में बात करने वाले हैं कि आपकी राशि के लिए 2019 कैसा रहेगा, उसमें क्या विशेष चीज़ें रहेगी और उसमें आपके साथ क्या क्या चीज़ें घटित हो सकती है। तो पहली और मुख्य बात मैं बात करना चाहता हूँ कि आपकी राशि के जातकों के लिए यह साल बहुत अच्छा है। कहीं उतार चढ़ाव, कहीं सारी तकलीफ़ों के बावजूद भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और जीवन में एक अच्छी जगह पर पहुंचने की संभावनाएं इस वर्ष आपकी दिखाई दे रही है। अब मैं बात करना चाहता हूँ प्रेम प्रसंग और दाम्पत्य, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न होता है। विवाह के योग हैं, जो कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि विवाह के योग हैं। आप जो जो मैंने आपको उपाय बताए, उन उपायों को आप करेंगे तो आपको विवाह के योग आसानी से मिल जाएंगे और विवाह के योग बहुत ही मजबूत हैं। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि प्रेम और दाम्पत्य में, जो दाम्पत्य में बहुत से जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, उन जातकों के लिए कि हो सके तो सुलह कर लें, बात को बैठ कर ख़त्म कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा। एक ओवरऑल चौथी बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी चाहते हैं, जो भी लक्ष्य आपका, वो आपको मिलेगा इस साल। जो भी चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपको कोई बड़ा जैकपॉट इस साल मिलने वाला है। घर में भी सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ उठना बैठना मिलनसार और घूमना फिरना, यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर, पिकनिक स्पॉट पर, और मतलब एक ओवरऑल खुशनुमा माहौल 2019 आपका बीतेगा। डिप्रेशन में जो लोग हैं, वो अपने दिमाग को बिज़ी करना सीख लें, क्योंकि आपके लिए तकलीफें बढ़ सकती हैं, इसलिए अपने दिमाग को बिज़ी रखें। ना कुछ खोना ना कुछ पाना, सब कुछ चलता रहता है यहाँ। हमें केवल हमारा काम करना है, जो देना है, जो लेना है, वो ईश्वर को देना है। हमारे हाथ में ये कुछ भी नहीं है, और जो होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है, ना कि हमारी और आपकी इच्छा से होता है। और वो जो भी करता है वो अच्छा ही करता है, अच्छे के सिवा वो कुछ नहीं करता है। तो आप इन बातों को मानेंगे, मुझे यकीन है, आप इन बातों को समझेंगे, मुझे ये भी यकीन है, तो आप ईश्वर के आश्रित होकर, ईश्वर पर यकीन कर और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें। अगर आप काम करते रहेंगे तो आपको सफलताएं मिलती रहेंगी, सफलताएं मिलती रहेंगी तो आप उन्नति करते रहेंगे और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही कहना है कि दोस्तों, आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें और खुश रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो ईश्वर खुश रहेंगे। एक और बात है दोस्तों कि हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाएं, क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत घटित हो रही हैं आज के दौर में, और दुर्घटनाओं से बचने का सबसे, दुर्घटना होनी है तो वो तो होकर रहेगी, लेकिन अगर हम कुछ थोड़ी सी सुरक्षा रखेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो मुझे यकीन है कि आप इन सभी चीज़ों को अपनाएंगे, महसूस जो मैं आपको कह रहा हूँ उस चीज़ को महसूस आप कर रहे होंगे। और अगर आपको और कोई भी तकलीफ हो तो कमेंट्स में ज़रूर आके बताएंगे कि कोई जो भी बात हो वो कमेंट्स में। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।